पहले दृश्य में सभी पात्रों को अपना परिचय देते हुए दिखाया गया है। मैं स्वराज प्रियदर्शी इस नाटक में एक पिता का पात्र निभा रहा हूँ। मैं खुशी इस नाटक में माता का रोल निभा रही हूँ। मैं दीपांशु इस नाटक में बड़े बेटे का पात्र निभा रहा हूँ। मैं संकेत शर्मा इस नाटक में छोटे बेटे का पात्र निभा रहा हूँ। इस नाटक में राष्ट्रपति का पात्र निभा रहा हूँ। मैं सोना इस नाटक में पुत्री का रोल निभा रहा हूँ। इस नाटक में प्रधानमंत्री का रोल। मैं हर्षित इस नाटक में विपक्ष का सांसद का रोल निभा रहा हूँ। इस नाटक में विपक्ष का सांसद। मैं विकास सैनी इस नाटक में स्पीकर का रोल निभा। दूसरे दृश्य में एक खुशहाल परिवार को दिखाया गया। माता खाना बनाती है, पिता घर में आता है। भाग्यवान तो भाग्यवान कहाँ हो? रोटी बना रही हूँ। बच्चे कहाँ हैं? खेलना गए होंगे। अच्छा ठीक है। तीसरे दृश्य में बच्चे बड़े हो जाते हैं। माँ ओ माँ टिफिन दे दो, देर हो रही है। बहन जल्दी टिफिन दे, बाबू भी व्यस्त है। हम चलते हैं। पिता खेत से आता है, माता पानी लेकर आती है। अजी थक गए हो गए, पानी पी लो। अजी सुनते हो? अजी बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं, उनकी अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर दीजिए। बात तो सही कह रही हो, पहले बेटी कर देते, बेटों की तो बाद में करते रहेंगे। देख लो जैसे तुम्हारा मन करे। अच्छा चौथे दृश्य में पिता बेटों से बात करते हैं। बच्चों कहाँ हो? मैं बोल रहा था तुम्हारी बहन के लिए मैंने एक लड़का देखा है, अगर थोड़े से पैसों के इंतजाम तुम कर देते तो अच्छा होता। पिताजी बहन माता आप जाने, हम तुम का बोझ हैं। वैसे भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955 के तहत आपके बनने के बाद सारी जायदाद हमारी हो जाएगी, क्यों बड़े भाई? सही कहते हैं छोटे भाई, हमें तो बस इस तमाम जायदाद से मतलब। बाप को हार्ट अटैक आता है, वो मर जाता है। बेटे माँ और बहन पर अत्याचार करते हैं। अरे माँ जल्दी खाना देना। दे रही हूँ, सब रख ले। अरे पापा अरे इतना टाइम वेस्ट करती है, समय बर्बाद करती है मेरा। कुछ बना ले, जल्दी खाना दे, निकालो घर से बाहर। घर से बाहर निकाल दे, चल बहुत समय हो गया, निकल यहाँ से, निकल निकल जाओ हमारे घर से। पांचवें दृश्य में ये बात संसद में पहुंचती है। सभापति महोदय एक प्रश्न हमारा भी है। आज्ञा सर, हमारे क्षेत्र या अगर पूरे भारत को देखें तो महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हमारे क्षेत्र में सामने आया है जिसमें बेटों ने अपनी मां को घर से बाहर निकाल दिया है। हिंदू अधिनियम 1955 के तहत पिता की मृत्यु के बाद सारी जमीन बेटों में बांट दी जाती है। सरकार इसका जवाब दे। महिलाओं पर अत्याचार के मसले पर जो विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, हम इस पर इस मसले पर विचार करेंगे और हिंदू अधिनियम के अंतर्गत कुछ संशोधन करने की मांग करेंगे। अधिनियम में संशोधन लाकर बहुत अच्छा काम करा। मैं इस मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा।
अतः यह उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2006 में लागू हुआ। हर परिवार खुशी से रहेंगे।